क्या हंसी दिल नसीए जवाना लगे, संग तेरे ये मौसम दीवाना लगे, संग तेरे ये मौसम दीवाना लगे। वेलकम टू अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेज। डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम के पार्ट 5 को लेकर आए हैं, और जो भी क्वेश्चन होगा एकदम धांसू ट्रिक के साथ, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी तो निश्चित ही आप नंबर सिस्टम के आज पार्ट 5 में बहुत सारा ट्रिक को पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए एकदम इत्मीनान से पढ़ते हैं, और मजा आए तो एकदम दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए, जोड़ दीजिए एकदम अधिक से अधिक बच्चों को। चलिए, 12 × 13 × 14 × ……84 में क्या निकालना है? शून्य की संख्या। देखिए एकदम अच्छा चीज आप लोग बता रहे हैं। अभी तो आपको पार्ट 4 में बताए थे कि 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में 0 की संख्या कितनी है, लेकिन यहां पूछ लिया है 12 से लेकर 84 तक के संख्या के गुणनफल में 0 की संख्या क्या है। देखिए मजा आएगा तो दबाकर लाइक शेयर कीजिए, एकदम धांसू ट्रिक बताएंगे, 1 सेकेंड में पार, मजा आने वाला है। चलिए देखिए, अब जो देखिए आपका पहला है, ये क्वेश्चन जो है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आप 84 का फैक्टोरियल निकालिएगा, 84 का फैक्टोरियल निकालिएगा 5 से कितना आ जाएगा 16, 16 × 5 = 80 है ना। उस 4 का कोई वैल्यू, इधर जो शेष बचता है इस शेष का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब फिर 500 निकालिएगा तो 5 से क्या आ जाएगा, 5 × 3 = 15, ठीक है। 5 × 3 क्या आया 15। ये इधर जो एक शेष बच रहा है, इधर वाले शेष का कोई वैल्यू नहीं है, 5 का देखेंगे, क्योंकि 0 तभी आता है जब एक इवन हो और एक 5 हो, अर्थात है ना। कल आप नंबर सिस्टम का जो पार्ट 4 है उसको देखिए, अगर आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम तो 1 से लेकर पूरा देखिए, स्क्वायर रूट देख रहे तो 1 से लेकर पूरा देखिए, तो आपको एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए यहां पर कितना आ गया, इसमें 0 की संख्या कितना आ गया आपको, 16 × 3 कितना आया 19, और 1 से लेकर 12 तक दिया है, तो इससे 1 कम करके 11 तक का निकाल लेंगे। 11 तक में 0 की संख्या कितना आएगा, 5 से फैक्टोरियल निकालिएगा तो 5 × 2 जा क्या हुआ 10, कितना आया 1 का, जो रिमाइंडर बचता उसका कोई वैल्यू नहीं, कितना आया इसमें आया, इस दोनों का संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 × 3 = 19 और 19 − 2 कितना आ जाएगा 17, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो 1 से लेकर है ना, 1 से लेकर 11 तक में आया आपको 0 की संख्या 2, और 12 से लेकर आपको निकालना है 12 से लेकर 84 तक, ठीक है। तो 12 से लेकर 84 तक निकालना है, तो हम क्या किए, पहले 1 से लेकर 11 तक निकाल लिए हैं, और उसके बाद फिर 12 से 84 तक के निकालने के लिए 1 84 का निकाल लिए हैं, और उसमें से इसको क्या कर दिए माइनस कर दिए, आपको शून्य की संख्या पता चल गया। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 512 × 513 × 514 × ……… कहां तक बताना है शून्य की संख्या आपको 1120 में, है ना, क्या बताना है शून्य की संख्या, शून्य की संख्या बताना। चलिए देखिए एकदम आसान है, आप पहले क्या निकालिएगा 1120 का फैक्टोरियल निकालिए, 1120 का निकालिएगा तो आप निकालिएगा 1120 का तो क्या हो जाएगा 1120। चलिए 5 से निकालते हैं, 5 से क्या आ जाएगा 5 से 5 × 10 और 5 × 10 5 × 4 = 20, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर से हम लोग मतलब नहीं रखेंगे। 5 से 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 24 जो रिमाइंडर बचा इसका कोई मतलब नहीं है ना। फिर 5 से क्या आ जाएगा 5 से 5 = 8 = 40 है ना, फिर 5 से 5 × 1 = 5 है ना, इसमें जो 3 बचा रिमाइंडर इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें अगर 1 से लेकर 1120 तक के कहता तो कितना हो जाता इसका शून्य की संख्या निकालने के लिए, इस तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़िए 4 × 4 = 8 8 × 16 = 17 हाथ में 1, और उसके बाद अब हो जाएगा 4 × 2 = 6 = 7 = 277 आया। अब यहां कितना है 512 तक है,
तो एक से लेकर 511 तक निकाल लेंगे, 511 तक निकाल लीजिए, 511 तक निकालिए, निकालिए 5 से निकालिएगा कितना जाएगा, 5 1 5 5 1 5, उसके बाद 0 5 2 10, फिर 5 से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 20, फिर 5 से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 126, 126 माइनस कर देंगे 151, जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 151, समझ में आ रहा होगा। इस नीचे वाले संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इस नीचे वाले संख्या को जोड़ते हैं। आपको जो नंबर सिस्टम का हम पार्ट 4 बताए हैं, है ना, इससे बैक वाले क्वेश्चन यानी उससे थोड़ा सा टाइप अलग करके हम क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन आपको 5 में, नंबर सिस्टम 5 में। चलिए, अगर मजा आ रहा था जोरदार तरीके से एकदम लाइक शेयर कीजिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अब होगा 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है कि 3200 गुने 1000 गुने 40000 गुने, ठीक है, 32000 और इसको, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, 32000 और गुने कितना 15000 में क्या बताना है, शून्य की संख्या। चलिए इधर वाले को इरेज कर देते हैं, बताना किसकी संख्या है, शून्य की संख्या। आइए देखिए शून्य की संख्या बताना है इसमें, इधर तो आप समझ गए इसका आंसर समझ गए आप, दो क्वेश्चन बता दिए हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, शून्य की संख्या बताना है, 15 और 1000 है। तो देखिए शून्य की संख्या कैसे निकलेगा, पहले इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 को तो ये आ गया, इसमें भी हम काउंट कर ले, इसमें का 2, इसमें का 3, इसमें का 4, इसमें का 3 और इसमें का कितना बोलिए, इसमें का 3, पूरा 15 हो गया। अब देखिए 5 जो है किसमें आ रहा है, तो ये तो 4 हो गया, ये 32 है, एक इवेन तो है, इसमें भी है, इवेन है, लेकिन 5 का संख्या 15 में कितना आएगा, 3 × 5, तो एक जीरो की संख्या एक और बढ़ जाएगा, 15 × 16 जीरो होगा, क्योंकि जीरो की संख्या तभी आपको बढ़ेगा, जैसे देखिए 5 × 2 तब एक जीरो बढ़ेगा 10, है ना, 5 × 4 तब एक जीरो आएगा, 5 × 6 तब जीरो आएगा, 5 × 8 तब 40, 5 × 10 क्या होगा 50। यानी कहने का मतलब है कि एक 5 और इवन नंबर रहेगा एक, तभी जीरो की संख्या क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर समझ गए होंगे। चलिए आइए थर्ड के बाद, एकदम उड़ाने वाला क्वेश्चन सब दे रहे हैं, थर्ड के बाद चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद आगे देखते हैं, एकदम इत्मीनान से सीखेंगे, एकदम सीख जाएंगे, मजा आ रहा है तो जोरदार तरीके से लाइक शेयर कीजिए, ऐसे नहीं काम चलेगा रे बाबा, अगर मजा आ रहा है तो जोड़िए अब एकदम शेयर कीजिए। चलिए देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर है। चलिए क्या है, एकदम टाइप बदल दिए, 2 का पावर 5 गुने 1 का पावर 5 गुने 2 का पावर 5 और गुने 3 का पावर 5 गुने 4 का पावर 5 गुने 1 2 1 2 3 4, है ना, और गुने 5 का पावर 5 गुने डॉट 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 गुने 32 का पावर क्या होगा 5। यहां तक आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए सब पर पावर 5 है, तो पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीपल होता है। देखिए इसमें करेंगे क्या, कुछ नहीं, एकदम इत्मीनान से देखिए समझा रहे हैं, एकदम बता रहे हैं, एकदम आसानी के साथ आप भी सीख जाइएगा, मजा आने वाला है। आप इसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ……. और इस सब का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए सब का पावर हम क्या लिख दिए, 5 लिख दिए हैं। अब आप देखिए ये जो आपको 32 का निकालिएगा, ठीक है, 32 का निकालेंगे, जीरो की संख्या एक सब होगा और एक 5 होगा तभी होगा, तो 32 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको निकाल लेंगे, ये तो आप सीखे हुए 1 से लेकर 32 तक का निकालना, निकालिए है ना, 5 से क्या हो जाएगा, 5 6 30, 5 से 5 एकम 5, जीरो की संख्या क्या आ गया 6 1 7, जीरो की संख्या कितना आ गया 7, यानी जीरो की संख्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 से लेके 32 तक के गुणनफल में जीरो की संख्या कितना है 3 3 6 1 7। तो हम इसको लिख सकते हैं जीरो का पावर 7 और इसका पावर हम लिख सकते हैं 5, हमको जीरो की संख्या निकालना है। और आप समझते हैं कि पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीपल, तो जीरो की संख्या क्या हो जाएगा 35, ये आपका क्या हो गया आंसर। फिर से समझिए, फिर से समझाना चाहते हैं, देखिए अगर मजा आ रहा है तो जोरदार तरीके, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम आपको एकदम आप प्रीवियस पेपर को पलट कर देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए ऐसे नहीं मजा आएगा, ठोकिए एकदम ठोकिए, लाइक शेयर कर दीजिए, 1 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 4 का पावर 5, 5 का पावर 5 और 32 का पावर 5, तो इसको हम क्वेश्चन में डाल दीजिए, सब का पावर 5 लिखिए, क्यों अब बताओ। ऐसा हम इसलिए लिख दिए कि 2 का पावर 5 और गुने 3 का पावर 5, तो 3 दूना 6 का पावर 5 हम लोग लिखते हैं, बोलिए लिखते हैं ना, यानी बेस आपको मल्टीपल होगा, पावर सेम रह जाएगा, पावर एक ही हो तो आई, तो वही हम कर दिए, पावर सबका पावर 5 लगा दिए। अब 1 से लेकर 32 तक के संख्या के गुणनफल में जीरो की संख्या कितना वो हम निकालेंगे, तो निकाले हैं तो कितना है 7 ठो, यानी जीरो की संख्या क्या हो गया 7 को, तो जीरो का अगर संख्या 7 को है, 3 × 3 × 3 को क्या लिखते हैं 3 का पावर 3 लिखते हैं ना, तो जीरो का पावर कितना है 7 और इसका पावर कितना है 5, तो 7 5 = 35 इज राइट आंसर, यानी जीरो की संख्या 35 होगा। आइए एकदम उड़ाने वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जामिनेशन में किस तरह से एग्जामिनर टाइप बदल बदल का क्वेश्चन लेता है, कितना मजा आने वाला। आइए देखिए क्वेश्चन देखिए उड़ाइएगा, 1 सेकेंड में धांसु ट्रिक। आइए 10 × 100 × 1000 × 10000, ठीक है, 10000 के बाद है जोड़ लाख, 10000 है जी, हाँ 10000 के बाद 1 लाख, 3 × 2 = 5, 5 को 0 जोड़ डॉट 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 और जोड़, चलिए कै गो जीरो है, 3 और 3 6 और 3 9 8 गो है, 1 का पावर है 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 1 7 1 8 8 जीरो। तो इसमें शून्य की संख्या बताना है, किसकी संख्या बताना है, शून्य की संख्या। क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको लिख देते हैं, चलिए ये वाले को तो मिटा सकते हैं, यहां देखिए क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे है ना, 5 और यहां है 3 और 3 6 2 8 को, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 × 100 × 1000 × 10000 × 1 लाख, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 3 × 2 = 5 6 7 8 आ गया। अब इसमें शून्य की संख्या बताना है, शून्य की संख्या। अब देखिए आप थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पर हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर कहेगा आपको 10 जोड़ ठीक है 100 जोड़ 1000 में शून्य की संख्या बताने के लिए, तो क्या कीजिएगा 10 100 1000 हो गया, जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 0 1 1 1। इसी तरह से हम सबको जोड़ेंगे तो जीरो की संख्या लास्ट में एक ही होगा, ठीक है। अगर हमको कहता कि 10 जोड़ 100 जोड़ 1000 जोड़ 10000, देखिए कितना भी जाएंगे इससे कोई फर्क नहीं, यहां पर 10 जो रहेगा, यानी मिनिमम जो संख्या रहता है
इसको तो जोड़ेंगे तो ये आपको पता है, फिर जोड़िए देखिए, दस, सौ, हजार, हजार के बाद दस हजार जोड़िए, कितना आएगा, जीरो वन 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 वन। तो ऐसे क्वेश्चन में बनाना कुछ नहीं है, धांसू ट्रिक देखना है। कौन सा ट्रिक, धांसू ट्रिक, है ना, एक सेकेंड में पार। इसमें जो मिनिमम जीरो होगा जिस संख्या में वही आंसर। यहां दस है ना, तो जीरो की संख्या कितना होगा, एक। शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, वन। एकदम शून्य की संख्या क्या हो जाएगा आपको, एक हो जाएगा, समझ गए ना। यानी इसमें शून्य की संख्या हो गया आपको, सीधा सीधा आंसर आ गया। यहां सब मिनिमम वाले को देखेंगे, टेन था ना, तो इसी टेन को देखेंगे, तो शून्य की संख्या क्या हो गया, एक। एक ठो शून्य है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन एकदम उड़ाने वाला क्वेश्चन है, और मजा आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिए दबाकर। चलिए देखिए, अब यहां है कि दस के पावर एक गुने दस के पावर दो गुने दस के पावर तीन गुने दस के पावर चार, है ना, डॉट 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 दस के पावर आपको है दस। चलिए अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब ये बहुत आसान है, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, टेन का पावर वन प्लस टू प्लस थ्री और प्लस फोर और प्लस डॉट 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 क्या चीज, टेन। तो ये नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई क्या चीज, टू। आप पढ़े हैं, जानते हैं, एक से लेके दस तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा, इसको एन बराबर निकाले, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो कितना हो जाएगा आपको, एन के जगह पर टेन इंटू और टेन प्लस वन इलेवन बाई टू काटिएगा तो कितना जाएगा, फाइव, इलेवन फाइव या क्या होगा, फिफ्टी फाइव आया। तो क्या लिखेंगे, टेन का पावर आपको ये फिफ्टी फाइव आपका आंसर हो जाएगा, टेन का फाइव फिफ्टी फाइव इज राइट आंसर। चलिए अब देखिए आपका बहुत आसान है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है। शून्य की संख्या इसमें समझ गए, जो जीरो जो सबसे कम होता है वही होगा अगर प्लस का साइन रहे तो, ठीक है। अब देखिए इसमें भी समझ गए कि यहां अगर पावर एक दो तीन चार है, दस तक दिया रहेगा, मान लीजिए पच्चीस तक दिया रहेगा, तो ऊपर वाले पावर को प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसके फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और उसके बाद वही जो सॉल्यूशन आएगा उसके पावर को इस पर बैठा देंगे, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आइए, मजेदार क्वेश्चन आपका चल रहा है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद अब सेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काफी बेहतरीन आपका जो ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, और बहुत ही आपको एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा बताया जा रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है लाइक शेयर दबा कर दीजिए। चलिए अगर मजा आ रहा है तो जरूर, अगर आपका कलम चल रहा है तो एकदम लाइक शेयर दबा कर दीजिए। जय महाकाल के नाम लेके एकदम लाइक शेयर कर दीजिए, ऐसे काम नहीं चल रहेगा बाबा, लाइक शेयर करना पड़ेगा। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं, एकदम उड़ाने वाला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए एकदम सीजीएल लेवल का क्वेश्चन। तीन का पावर है 123 अब माइनस, फिर है तीन का पावर है 122 अब माइनस, तीन का पावर है 121। चलिए ये हो गया, और इनटू टू का पावर है 100 कितना है 21 इंटू टू का पावर है 120 इंटू टू का पावर है 119। इसमें शून्य की संख्या बताना है, इसमें शून्य की संख्या, किसका संख्या, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या आपको फाइंड करना है। चलिए बहुत आसान है, और कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला। अगर आप इसमें थ्री का पावर है ना 121 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 3 का पावर 2 अब माइनस 3 का पावर 1 और माइनस 1, ठीक है, इनटू इसमें भी आप कॉमन ले लेते हैं 2 का पावर 119 तो इसमें क्या बचेगा, 2 का पावर 2, ठीक है। ओ यहां पर आपका इसमें भी आपका माइनस है, माइनस का साइन है, प्लस में आपका माइनस का साइन है, माइनस टू का पावर 1 और माइनस क्या हो गया 1। चलिए देखिए आप ये कैसे बात समझ रहे हैं ना, इसमें इससे गुणा करेंगे, जैसे देखिए थोड़ा सा बता रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा, 3 का पावर 121 × 3 का पावर कितना है 2, तो बेस आपका इक्वल है तो पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 3 का पावर 121 × 2 3 का पावर क्या हुआ 123 आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है सर, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 का पावर 121 अब 3 × 9 − 3 − 1 अगुने 2 का पावर 119 × 4 − 2 − 1 ठीक है। अब आप देखिए क्या आया इसमें, 3 का पावर 121 × 9 − 4 − 4 × 2 का पावर 119 × 4 − 3 होगा। चलिए अब जो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 का पावर 121 × 5 का पावर 1 × 2 का पावर 119 × 1। तो आपको हम बताए भी हुए हैं, बोले भी हुए हैं, और फिर से आपको हम बता रहे हैं कि जिसका पावर कम होता है, जिसका पावर कम होता है मेरे भाई, आंसर वही होता है। तो यहां देखिए एक इवन में और एक किस में, एक 5 में मल्टीपल करेंगे तभी 0 आएगा। तो यहां पर 5 का पावर क्या है 1 और 2 का पावर कितना है 119। तो पावर कम किसका है 5 का, तो पावर 5 कम है 5 का है तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या आपको क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 का पावर क्या है 1, तो पावर कम होगा वही आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन आप लोगों को एक ही टाइप के इसलिए बता रहा है कि बताया जा रहा है ताकि आप एकदम अंदर से एकदम स्ट्रांग हो जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बहुत बेहतरीन आपका क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका एकदम उड़ाइए, एकदम एक सेकेंड में उड़ाइए। चलिए 8 का पावर है 123 − 8 का पावर है 122 − 8 का पावर है 121 ठीक है, और इनटू फिर उसी प्रकार से है, है ना, 3 का पावर है 223 ठीक है, इन माइनस 3 का पावर 221 और −3 का पावर 219 ठीक है, यही है, यही क्वेश्चन है। जी जी 223 है 22 है यहाँ 22 है और यहाँ पर 200 कितना है 20 है, 223 223 2 और 220 23 22 21 23 22 21 चलिए आइए कॉमन लीजिएगा, कॉमन जब लीजिएगा ध्यान दीजिएगा, कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे जी, देखिए अगर हम इसमें कॉमन ले रहे हैं 8 का पावर ठीक है, 8 का पावर 121 तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, इसमें देखिए बचेगा आपको 8 का पावर 2 और −8 का पावर 1 − 1 सेम उसी तरह से है, इनटू इसमें भी कॉमन लीजिएगा 3 का पावर कितना 221 है ना, 22 कितना है 1 तो इसमें क्या बचेगा 3 का पावर 2 3 का पावर 1 − ठीक है। आइए अब देखिए यहां तो 223 है, चलिए दोनों में सेम होना चाहिए था पावर, लेकिन है ना, चलिए पावर को है ना सेम कर लेते हैं 121 122, चलिए रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए फिर सेम भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 का पावर कितना हो गया 121 8 × 8 = 64 −8 − 1 आ इनटू फिर कितना है 3 का पावर 221 × 9 − 3 − 1 हो गया। अब देखिए 8 का पावर 121 इंटू क्या हो जाएगा 64 − 9 ठीक,
इंटू थ्री का पावर टू टू वन, यहां भी आपको हो जाएगा नाइन माइनस फोर। आइए सोल्व कीजिए इसको, आठ का पावर वन टू वन और गुने कितना हो गया 55, और इसमें आपको गुना करिएगा तो थ्री का पावर टू टू वन इंटू क्या हो जाएगा 5। तो एक इसमें आप अगर इसको फैक्टोरियल करिएगा तो 5 इंटू 11 आएगा, ठीक है। तो 5 का पावर इसमें कितना आएगा 2, तो 5 का पावर 2 यानी शून्य की संख्या क्या आया, शून्य की संख्या आपको हो गया कितना, शून्य की संख्या क्या हो गया 2। कैसे, यहां पर आप ये आपका 11 इंटू 5 एक 5 आया और यहां पर आपका क्या है 5, ठीक है। तो अब देख लीजिए 5 से ही मल्टीपल करने पर यहां पर तो 8 है, 8 तो एक इवन है तो 5 की संख्या कितना है 2, तो मल्टीपल में जैसे 5 की संख्या अगर 2 होगा तो 0 की संख्या भी क्या होगा 2 होगा, अथवा है ना तभी होगा जब कोई एक इवन नंबर होगा तभी। तो ये तो इवन नंबर है ना जी, 8 है, तो 5 की संख्या 55 में कितना आता है 55 को करेंगे तो 5 गुने 11 होता है और एक 5 आपका यहाँ है 5, तो 5 की संख्या कितना होगा 1 और 2 तो 5 का पावर कितना आएगा 2, शून्य की संख्या क्या हो गया 2, है ना। पावर जिसका कम होता है आंसर वही होता है, दोनों में पेयर कर लेंगे देख लेंगे 8 के पावर 121 और 5 के पावर 2 आंसर क्या होगा 2। चलिए आइए अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आइए इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन आपको इसके ही लेवल के जो अभी हम जो बोले हैं कि पावर जो है कैसे हम लोग देख लेते हैं कि कौन आंसर होगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में इसी बात का हम क्लियर आंसर करेंगे। देखिए जैसे अगर आपको पूछेगा कि 2 का पावर 222 अगुने 5 का पावर 555 में शून्य की संख्या, शून्य की क्या संख्या बताना है, बहुत आसान है। देखिए आपको बताए हैं कि मल्टीपल करने पर शून्य तभी आता है जब एक इवेन होगा और एक क्या होगा 5 होगा। इवेन में आप कोई भी इवेन होगा, चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 6 हो चाहे 8 हो। तो देखिए अब इसमें हमको कंपेरिजन पूछता है कि शून्य की संख्या क्या होगा, तो पावर किसका कम है, देखिए 2 में है कि कम, किसमें कम है 5 में कम है पावर की 2 में कम है, तो 2 में पावर से कम है तो शून्य की संख्या जो होगा है ना शून्य, है ना ये जो आपका शून्य की संख्या, शून्य की संख्या आपका क्या हो जाएगा 222 आंसर। क्यों होगा 222, आप समझ गए होंगे कि जिसका पावर कम होगा आंसर वही होगा, इसीलिए इसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी 5 का पावर 2 था और 8 का पावर कितना था 121, तो आंसर क्या आया 5 का पावर 2 यानी शून्य की संख्या 2, यहां पर 2 का पावर 222 तो शून्य की संख्या कितना होगा 222। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 10 नंबर क्वेश्चन दे दे कि 2 का पावर 324 इंटू 5 का पावर है ना 5 का पावर 123 में शून्य की संख्या, इसके गुणनफल में शून्य है ना की संख्या आपको निकालना है, तो शून्य की संख्या जो होगा क्या हो जाएगा आपको, पावर किसका कम है 5 वाला का कितना 123। तो इस तरह से नंबर सिस्टम का पार्ट 4 हम आपके लिए लेकर आए हैं और मैं मनीष आप लोगों से विदा लेता हूं, दैट्स ऑल, थैंक यू।